एल्डिहाइड बनाने के कई तरीके हैं बच्चों, उसमें से एक है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्किन। तो हम लोग देखते हैं, आसानी से आपको समझ में आएगा, पूरा वीडियो देखेंगे 100% आपके पास चला जाएगा। तो बच्चों लिखा जाए ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्किन। ओजोनोलाइसिस में बच्चों दो वर्ड है, ओजोन है, लाइसिस है ना। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। लाइसिस, लाइसिस मींस होता है ब्रेकिंग, और ब्रेकिंग मींस क्या होता है, तोड़ना है ना, या क्लीवेज, क्लीवेज है ना। इसके लिए बच्चों हम लोग एल्कीन को लेके आते हैं। एल्कीन में है सबसे पहला मेंबर एल्कीन का क्या है, इथिलीन, इसका फॉर्मूला होता है C2H4 है ना। यहाँ लिख सकते हैं इथिलीन या इथीन भी बोलेंगे इसका इफेक्ट में। अब करना क्या है, ओजोन के साथ रिएक्शन करना है, और सॉल्वेंट के रूप में आप लिख सकते हैं CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको पाइरिमिडीन कहते हैं। अब यहाँ दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड हटेगा, हटा दीजिए, दो कार्बन को सजा दीजिए। चलिए सज लिया है ना। यहाँ जो है बच्चों हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। ये दोनों के बीच ओजोन के तीनों ऑक्सीजन को इस प्रकार से सजाइए कि सभी का बॉन्ड स्टेबल हो, है ना। इसके लिए ऐसे करते हैं, और एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ बॉन्ड बना लीजिए, है ना। देखिए सभी का बॉन्ड कंप्लीट है, कार्बन टेट्रावेलेंट है, चार बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसका नाम है बच्चों इथिलीन या इथीन, ओजो नाइट। चलिए तो बन गया। अब कहता है इसको करवाना है, जिंक को लाना है ना, जिंक को लाना है, ले आइए ZN डस्ट, और एक जो है बच्चों एक ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा यानी ZN हो, और जब ऑक्सीजन रिलीज होगा निकलेगा तो रिडक्शन होगा, इसलिए इसको रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस भी कहेंगे। अब यहां से देखिए ऐसे काटिए और इसको ऐसे काटिए, अब यहां देखिए HCHO क्या बन रहा है, HCHO। फिर देखिए HCHO कितना आसान है बच्चों, यानी दो मोल हो गया। अब यहां देखिए ZN है और ऑक्सीजन को लेके आएगा जिंक ऑक्साइड ZN। अब हम लोग और ले लेते हैं, CH3 है, CH है डबल बॉन्ड, CH2, इसको कहते हैं प्रोपीन, प्रोपीन या प्रोपीलीन। अब फिर हम लोग ओजोन को लाते हैं, O3 को लाते हैं, सॉल्वेंट के रूप में CCl4 को रखते हैं, वही वर्क होगा जो यहाँ हुआ है बच्चों, ये नीचे लिखते हैं, यानी CH3 हो गया, यहाँ CH है, ऑक्सीजन जोड़ दीजिए CH2, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, वहाँ जिंक डस्ट को लाना है, जिंक डस्ट, जिंक डस्ट क्या करेगा, एक ऑक्सीजन को खींचेगा, यानी ये इस प्रकार से हो गया और ये इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ देखिए CH3 CHO लिख दीजिए, CH3 CHO, इसको कहेंगे इथेनॉल, इथेनॉल। दूसरा कंपाउंड बनेगा, यहां देखिए दो हाइड्रोजन है HCHO, इसको कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड है, मिथेनॉल, और यहां भी बना है बच्चों मिथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी। आज का टॉपिक यहीं तक रहने देते हैं बच्चों।